सो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपको इस तरीके का लोगो बनाना सिखाने वाला हूँ पिक्सआर्ट का यूज करके। सो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना, उसमें हमको एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है कोई भी। तो ये वाला बैकग्राउंड हम ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले टूल्स पर जाएंगे, फिर क्रॉप पर जाएंगे, फिर यहाँ से स्क्वायर वाला शेप है इसको सेलेक्ट करके राइट वाले बटन पर टैप कर देंगे। देन तक करने के बाद अभी यहाँ से हमको क्या करना है, ऐसे स्टिकर वाला सॉरी एफएक्स वाले बटन पर ऐसे हमको टैप करना है और बी एंड डब्ल्यू वाले ऑप्शन पर आकर जो फर्स्ट नंबर का इफेक्ट उसको अप्लाई करने के बाद डन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे स्टिकर पर, स्टिकर पर जाने के बाद यहाँ से हमको सर्च वाले बटन पर टैप करना है। यहाँ से हमको सर्च करना है बिगनेट इफेक्ट, तो बिगनेट इफेक्ट यहाँ से हम सर्च करेंगे। इसको सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना और जो सबसे ज़्यादा डार्क वाला आपको मिलेगा ये वाला, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने बैकग्राउंड को इससे इस तरह से कवर कर लेना है पूरे को। रहने तक करने के बाद इतना हमारा हो चुका है। अभी क्या करना है कि यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर, और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से हमको अपना कैरेक्टर ऐड कर लेना है जिसको हम अपने लोगो में यूज करेंगे। तो ये वाला कैरेक्टर फोटो इसको मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से हम रिमूव पीजी वाला बटन पर टैप करके इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर लेंगे। तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और हमारा जो बैकग्राउंड को रिमूव हो जाएगा, अपना कैरेक्टर पीएनजी भी रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है। सो अभी क्या करेंगे कि इसको हम पहले अच्छे से ऊपर की साइड में कॉर्नर पर इसको सेट कर लेंगे। तो जैसे कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ सेम उसी तरह से आप भी इसको सेट करना। तो इस कॉर्नर पर इसको रख लेना राइट साइड में, और इस अच्छे से रखने के बाद क्या करना, लेयर वाला बटन लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इमेज के ऊपर, तो उस बटन पर आपको टैप करना है। फिर इसका डुप्लीकेट कर लेना है, और इसका डुप्लीकेट करने के बाद अभी क्या करना है, नीचे साइड में आपको फ्लिप एंड रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करने के बाद थर्ड वाले पे आपको टैप करना है जिससे हमारा जो कैरेक्टर है वो रोटेट हो जाएगा। और देन अभी यहाँ से इसको अच्छे से अपने जो दोनों कैरेक्टर्स है उसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे अपने बैकग्राउंड के ऊपर। सो यहाँ से मैं इसको अच्छे से सेट करता हूँ, तो हमारा अच्छे से सेट भी हो चुका है। अभी यहाँ से हम स्टिकर पर जाएंगे और आपके बारे यहाँ से हमको सर्च करना है येलो लाइट। तो आपके बारे यहाँ से हम येलो लाइट सर्च करेंगे, और इस पर आने के बाद आपको ये वाली लाइट देखने को मिलेगी, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो इसका साइज़ हम अच्छे से पहले एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर की साइड में इसको रखेंगे। तो इतना हमारा हो चुका है। अभी क्या करना है कि अगेन स्टिकर पर जाएंगे, और आपके बारे यहाँ से आपको क्या करना है, आपके यहाँ से हमको सर्च करना है थंडर। थंडर सर्च करने के बाद आपको जो छठे नंबर पर मिलेगा ये वाला, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको पहले अच्छे से सेट कर लेना है जिस तरीके से मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से आप भी इसको सेट कर लेना। ऊपर के साइड में आपको कॉर्नर पर इसको सेट करना है, तो देख लीजिए मैं किस तरीके से सेट कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से आप भी अपना जो थंडर है उसको सेट कर लेना है। दैन इसको अच्छे से सेट करने के बाद आप लेयर वाले बटन पर टैप करना है यहाँ से, और इस पर टैप करने के बाद इसका एक और डुप्लीकेट हम कर लेंगे, और जो राइट लेफ्ट साइड में वहाँ पर भी हम इसको सेट कर लेंगे। सो इसको मैं अच्छे से पहले सेट कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में भी, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना अच्छे से सेट कर लेना। तो कुछ इस तरीके से इसको मैंने यहाँ से सेट कर लिया। सेट करने के बाद अभी राइट वाले बटन पर टैप कर देंगे, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐड फोटो पर जाने के बाद अपना जो भी कैरेक्टर है उसको फिर से ऐड कर लेंगे, और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम रिमूव करके इसका पीएनजी बना लेंगे। तो रिमूव बीजी वाले बटन पर हम यहाँ से टैप करेंगे, ये वाले बटन पर रिमूव पीजी पर रिमूव बैकग्राउंड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाएगा। अभी इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अभी क्या करना है, यहाँ से हमको स्टिकर पर जाना है, और आपके बारे यहाँ से हमको सर्च करना है येलो लाइट। सो अभी यहाँ से फिर से हमको येलो लाइट सर्च करना है, और आपके बारे यहाँ से आपको जो बिल्कुल येलो कलर वाली लाइट मिलेगी ना ये वाली, ये आपको डाउनलोड करनी है। इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इसको अपने कैरेक्टर के फेस के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है, इस तरीके से फिर लेयर पर टैप करने के बाद इसको मूव डाउन कर देना, और इसको अच्छे से सेट कर लेना कुछ इस तरीके से, और जिससे इफेक्ट आ जाएगा ग्लोइंग वाला इस तरीके से। देन इसको अच्छे से सेट करने के बाद अभी क्या करना है, ऐड फोटो पे जाना है, बैकग्राउंड पर जाना है, और एक वाइट कलर का बैकग्राउंड ऐसा हमको ऐड करना है सफ़ेद कलर का। सो इस बैकग्राउंड को ऐसा हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अभी जो हमारा पूरा लोगो है ना उसको इससे कवर कर लेना है, इस जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है इससे। सो इसको कवर करने के बाद अभी क्या करना है, यहाँ से हम ऊपर ब्लेंड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, नीचे नीचे आपको जो ओवर ऐड वाला ऑप्शन दिखेगा उस पर टैप करना है, और फिर यहाँ से आपको इरेज वाला बटन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इस पर टैप करना है, फिर इन्वर्ट पर टैप करना है, रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद इसकी हार्डनेस को वन कर लेना है, और इसकी गर्दन के पास कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है जिससे कि अच्छे से ग्लोइंग इफेक्ट आ जाएगा अपने कैरेक्टर के जो भी पीछे की साइड में, कुछ इस तरीके से आपको करना, देख लीजिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम उसी तरह से आप भी इसमें ग्लोइंग इफेक्ट ऐड कर लेना है। सो खाली नेक के पास जो फेस के पास है वहाँ पर हमको करना है कुछ इस तरीके से कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट आया जो भी हमारी पूरा जो कवर हो गया तो उसको हम इरेज कर लेंगे, जैसे चोटी पर अच्छा थोड़ा सा फेस पे आया होता, अभी इसको जहाँ जहाँ हमको ग्लो चाहिए वहाँ इसको अप्लाई कर लेंगे। देन इतना करने के बाद अभी जो ग्लो इफेक्ट हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, सो इसको हम डन कर लेंगे, और इतना करने के बाद अभी क्या करना है, ये हमारा जो काम वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी स्टिकर पर जाकर हम यहाँ से सर्च करेंगे रेड लाइट। सो अभी यहाँ से हमको रेड लाइट सर्च करना है, और यहाँ से ये वाली लाइट आपको डाउनलोड कर लेनी है, और इसको इस तरीके से रखने के बाद क्या करना है, ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाना है, और इसको यहाँ से स्क्रीन कर लेना है, और फिर क्या करना है, इरेज वाले बटन पर टैप करना है। इरेज वाले बटन पर टैप करने के बाद अभी क्या करना है, यहाँ से हमको इरेज पर टैप करना है, और इसकी हार्डनेस को कर लेना है वन, और अपने जो भी कैरेक्टर है उसके बीच में से हमको इस तरह से इरेज कर लेना है।
तो अपने कैरेक्टर के फेस के ऊपर से कर लेंगे, जो कैरेक्टर्स की आउटलाइन है उन पे से हमको इरेज नहीं करना, क्योंकि इससे जो बैकग्राउंड से लाइट आने वाला इफेक्ट हम इसमें देंगे, तो इसलिए हम अपने जो बीच बीच में से हम इसको इरेज कर लेंगे अपने कैरेक्टर के ऊपर से कुछ इस तरीके से। सेम आप भी कर लेना, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पार्ट उनको हटा लेंगे। देन इतना करने बाद ग्लोइंग इफेक्ट हमारे कैरेक्टर पर आ चुका अच्छे से। देन अभी इसको बिल्कुल डन कर लेंगे। अभी हमारा जो लोगो इतना रेडी हो चुका, अभी हमारा नेम लिखना बाकी है, उसके लिए हम स्टिकर पर जाएंगे, सर्च पर टैप करेंगे। यहाँ से हमको सर्च करना पेंट, सो PAINT पेंट, यहाँ से हम सर्च करेंगे। और जो ये ब्लैक वाला है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो इसको हम सेट कर लेंगे नीचे की साइड में, जहाँ पर हमको नेम लिखना है इस जगह पे। इसको सेट करने में एफएक्स पे जाना है, फिर यहाँ से हमको कलर्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ से जिस भी तरह का आपको कलर चाहिए उस तरह का कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूँ, तो ये रेड वाला कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको डन कर लूँगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से हमको एडजस्ट पे जाना है, इसकी ब्राइटनेस को हमको यहाँ से इंक्रीज करना है, जिससे हमारा जो कलर है और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है। और इसकी सैचुरेशन को फुल कर लेंगे, और जो इसका ह्यू है उसको अपने कलर के अकॉर्डिंग यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं देख लेता हूँ कुछ इस तरह के रख लूँगा, और ब्राइटनेस वगैरह को फुल कर देंगे, हाईलाइट्स को बढ़ा लेंगे। देन इतना करने बाद ये हमारा जो लाइट हो चुका है अच्छे से आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अभी यहाँ से हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी यहाँ से हमको अपना नेम लिखना चैनल का। सो इसके लिए यहाँ से हम टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट पे जाने के बाद हम अपना नेम लिख लेंगे। तो जैसे कि मैं अपना नेम यहाँ से लिख लेता हूँ, इसको लिखने के बाद ब्लू वाले बटन पर जाकर हम ये वाला फॉन्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो फॉन्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अभी इसको हम जो भी हमने जो पेंट वाला इफेक्ट ऐड किया था ना, उस पर सेट करने के बाद इसकी शेडो पर जाएंगे, और यहाँ सेकंड वाला फुल कर देंगे। देन इतना करने के बाद अभी जो हमारा लोगो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, तो अभी यहाँ से हमको इसमें इफेक्ट ऐड करना है, तो उसके लिए हम इसको पहले सेव कर लेंगे। तो यहाँ से इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी यहाँ से हम जाएंगे अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम में जाने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है कि, तो पहले यहाँ से हम लाइटरूम को ओपन कर लेंगे, यहाँ से ऑल फोटोज़ पर जाएंगे, और फिर ऐड फोटो वाला बटन है यहाँ पर, इस पर टैप करने के बाद अभी जो हमने पिक्सआर्ट से लोगो बनाया उसको यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। सो इसको मैंने यहाँ से इस पर टैप कर दिया, उसको यहाँ से ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अभी यहाँ से हम एक प्रीसेट है उस पर टैप करेंगे, तो प्रीसेट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस पर टैप करने के बाद इसके 3 डॉट पर टैप करना, फिर नीचे मिलेगा आपको कॉपी सेटिंग बटन, इस पर टैप करने और राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। आप यहाँ से हम अपने जो भी लोगो अभी हमने पिक्सआर्ट बनाया उस पर टैप करेंगे, 3 डॉट पर टैप करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट सेटिंग। देन इतना करते थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और जो हमारा लोगो बन के रेडी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो लोगो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस यार, ये लोगो आपको कैसा लगा कॉमेंट बता देना, पसंद आए तो एक लाइक कर लेना, और कमेंट भी बता देना कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।